गंगा दशहरे के मौके पर गुरुवार को लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। आपको बता दें कि बुधवार को 10 विशेष योग बन रहे थे, जिसके चलते इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। लोग अपने परिवार के साथ गंगा घाट पहुंचे और स्नान किया। माँ गंगा के दर्शन और स्नान के लिए देर रात से ही श्रद्धालु बुलंदशहर राजघाट की ओर रवाना हो गए थे। लोगों ने सूर्योदय होते ही गंगा में डुबकी लगाई। वहीं दिन के उगते हजारों की संख्या में लोग गंगा घाट पर मौजूद रहे और स्नान किया। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज ने बताया कि हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को गंगा दशहरा मनाए जाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। उन्होंने बताया कि गंगा दशहरा की शुभ तिथि को गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, नमक, तेल, गुड़ और स्वर्ण दान करने से मनुष्य को पुण्य अर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के बिगड़े काम अपने आप बनने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।